शरणिया हो जाता है। फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग, माखन बाखरी के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया मस्त दिन हो चुका है। बच्चा पार्टी खेलने लगी है, संडे का दिन है इसलिए एक यहाँ पे है और दूसरी यहाँ पे है। गुड मॉर्निंग। देखो सुबह उठते चौपड़ी ले ली है, पढ़ेगी लगती है। और मस्त बादल छाए गए हैं, पक्षी का नज़ारा देख सकते हो, उड़ उड़ के अभी भाग रहे हैं सब, पोपट बोपट सब। और चकलिया मस्त अभी टहल रही है, चिची करती हुई मस्त बातें कर रही है। हर रोज़ की तरह नींबून का पथारा हो चुका है, आप देख सकते हो। नींबू नीचे गिरा है सुबह सुबह, हर रोज़ अभी गिरेगा। और अरुण पापा सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ रहे सुन रहे, और मेरे पापा यहाँ पर रेडी हो रहा है। चले किचन में किंजल के पास वापस चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बना रही हो? अभी देखो आपके लिए मस्त अच्छा हेल्दी। यहाँ पे अंजीर, खजूर, बादाम, अखरोट, काजू वो सब डाल के तगड़ा बगड़ा हो जाओगे आप। तगड़ा मगड़ा करके तो फिर लंबा आयुष मेरी बढ़ा दोगे। हाँ ऐसा है तो बहुत बढ़िया है। तो किंजल ने सब पानी पहले दूध में भिगोती थी, अब पानी में पूरी रात भिगोती है। पानी में भिगोती है ना, फिर दूध में मिला के क्रश कर देती। अच्छा ओके। अभी दूध पियेंगे पहले और बाद में बाखरी खाएंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, मेरे ये चेहरे पे ग्लो अच्छा आ गया है। दिन में ग्लो आ जाता है, किसने बताया? मैं दिन में दिन छोटा होता जाऊंगा ऐसा लगता है मेरे को। छोटा नहीं होना है, क्यूट नहीं दिखना है। तो उसमें क्या है, क्यूट ना तो फिर अच्छा लगे सब लोगों को। देखो भाई अभी दूध जाएगा अंदर, तो अभी इसके अंदर दूध जाएगा। वाह अभी ये होगा क्रश, बादाम, अंजीर, काजू, अखरोट। वाह भाई वाह, क्या कितना डाल के किंजल बनाती है। बहुत सारा बहुत। और सुबह सुबह कहाँ गई थी? सुबह सुबह आज मैं मंदिर गई थी, मैंने नीम लिया है। नीम लिया है, पूरा दिन फिर टाइम नहीं मिलता इसलिए। हाँ पूरा दिन टाइम, बारिश आ जाती है ऐसा होता है। इसलिए अभी कैसा था मस्त माहौल था और कोई नहीं थे अभी मंदिर पे। अच्छा मैं कह रही तो इतना शांत शांत लगता था ना, बहुत मजा आ गया। नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो फिर मजा आ गया। माखन मिश्री पहले खा लेते हैं, पहले दूध खा लो। अच्छा दूध खा लेते हैं, दूध पी लो। हाँ दूध पी लेते हैं, ठीक है ओके। दोनों बेटियां भी जग चुकी है। क्या गया आरोही? आरोही क्या जाओ छे तारे? किंजल आ गई है दूध का ग्लास लेके पूरा। वाह भाई वाह क्या बात है, मस्त एंजॉय करके। थैंक यू सो मच। उसके बाद भाकरी खाने आता हूँ। रूही ने अपना घर बनाया है जहाँ पे अंदर आईना बाइना, अच्छा मेकअप रूम बनाई है। वाह भाई वाह बहुत ही बढ़िया भाई मेकअप रूम है। रूही कितने पैसे लेती हो इस काम के लिए? 10 रुपया बस? बात तारे वो भाव उधर दी तो तरत आसमान है भाव जो शू बात है भाई। यहाँ पे मेकअप रूम है, यहाँ पे अंदर देखो तो देखो आईना और नेल पॉलिश है। अच्छा कातर भी है। कच 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 ये वागी ना जा आँख माँ ऐसा है। भी हर रोज इस तरह रेडी कर देती है, देखो माथा ओढ़ देती है, मेकअप कर दिया। बहुत ही मस्त मस्त है लट्टू काप दीदी, बहुत क्यूट लागे छे आरोही तो। है आरोही तो बहुत क्यूट लागे छे, पर नखरा जो है ना मोढू पकड़ू पड़े छे। है आरोही मेकअप घर है, मेकअप घर ओशिका से बनाया है। तो बहुत ही बढ़िया धूप आ गई है, देखो यहाँ पे बहुत मस्त धूप आई है। तो अभी ड्राई अभी सूख गया है सब, तो यहाँ पे देखो मस्त। रूही अभी फ्रेश हो चुकी है, आरोही भी फ्रेश हो चुकी है। रूही उसके पापा को फ्रेश कर रही है, देखो अभी पाउडर लगा रही है पापा को, और आरोही मस्त देख रही है। रूही तुझे बहुत अच्छा लगता है? रूही रूही का छुट्टी है ना रूही? तो चलो अभी मार्केट जाएंगे। कातर लिया यार इन्हें, देखो किसी को पता नहीं है ना तो तभी लेती है। तो रूही का गला जो है पूरा भर गया है, खचोखच हो गया है। अभी जो भी व्यूअर्स आते हैं ना, देखे जाते हैं, तो इसको बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। तो भाई फोड़ेंगे एक दिन, एक गला काले कर दिया। चलो પાછો હાંધી દીધો, જે બેંક કેમ પાછળથી લૂંટાણી, એમ બેંક તે આગળથી નથી લીધા પૈસા, પાછળથી લૂંટી, અમરેલીને અમરેલી પાછળથી કાણું પાછા પૈસા કેટલા લીધા ખબર? એની જરૂર હતા એટલે 1 કરોડ લીધા, 8 કરોડ પડ્યા હતા, 1 કરોડ જ લીધા, હું બધા લઈ જવા, બે બે માણા નહીં હોય, બીજા ઉપડ્યા નહીં, દાડિયા કર્યા હતા પણ તાણે આવ્યા, બે દિવસ એમ નમ રહી, માહિતી બાપુ એમ નમ બેંકમાં ખબર નહીં। यहाँ पे दोनों बेटियां पापा को मेकअप कर रही है, दोनों मंडाई पड़े है। मैं मुंह बिगड़ जाएगा ना, देखो आरोही देखो मकाई लेके आए हैं, बहुत बढ़िया। और 1 रुपये क्या है नोट, देखो अपने बहुत टाइम से नहीं देखी होगी 1 रुपये की नोट, मकाई लेके आए हैं। तो चले किंजल क्या खा रहे जोरदार मस्त सब्जी बनाई है, नींबू की बड़ी है के ऊपर मस्त, और यहाँ पे चावल उगा हुआ मस्त, कुकर नहीं है ना तो कुकर में करना पड़ता है ना। ओके मस्त घी से लतपत भाकरी है। आज भूख भी बहुत लगी है क्योंकि बाहर गए थे ना। हाँ हाँ और यहाँ पे दाल भी मस्त रगड़ा जैसी बनाई है। और ये बच्चा पार्टी भूख लगी तो पाकू जो किंजल बटाका ने मैं के लिए और लोग के देखिए आलू नहीं बे और खबर नहीं भाई। और बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो राइस देखो तो इतनी इतनी तोफानी थी कि ना मैं छोकरी तोफानी थी गई तू बेटा। वापस बारिश आने लगी है, हमें लगता था कि बारिश अब नहीं आएगी लेकिन वापस धारोड़ा चालू हो चुका है। वाह नींबूड़े के पत्ते देखो, शांत यहाँ पे ध्यान करने का मज़ा आ गया। दोपहर के बीच में सब लोग सो गए थे अभी, और मस्त रिमझिम बारिश शुरू हो रही है अभी। कल भी आपको दिखाया कि बहुत ज़्यादा पानी चलाला में घुस गया था, लेकिन आज भी बारिश कम नहीं है, शुरू हो चुके वापस। रूही का घर भी देखो कैसा मस्त भीग रहा है अभी। अमेरिका की धरती के ऊपर 5000 के पब्लिक के बीच में जो आप ये घर का पीछे का नज़ारा देख सकते हो, वो वहाँ पे ड्रामा हो रहा था, तो पीछे हमारे घर का पूरा बैकग्राउंड रखा गया था। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, जो जो भी लोग हमसे वहाँ से देख रहे हैं, एवरीडे हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, उन सब का कमेंट्स आए। मेरे कुमार वहाँ पे थे, जयदेव कुमार, तो उन्होंने भी मुझे रील्स भेजा। तो आई प्राउड ऑफ यू कि हमारा घर, कुमार ने बोला था कि उनको एक ऐसा गांव चाहिए जो बहुत बड़ा ग्राउंड हो, मस्त बड़ा घर हो, तो हमने फ़ोटो भेजा। तो आइए वो क्लिप आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपसे वापस मिलते हैं। जो दर्शक भाई तब फोटो मोकलो तो नहीं अमेरिका में 5000 लोग बैठा है। अच्छा तो पाका सीधा दे देना, खाली पाका सीधा। हाँ बीजू कहीं नहीं। तो देख सकते हो यही पूरा जो घर है वो वहाँ पे दिखाया गया, पूरी अमेरिका की पूरा ऑडिटोरियम में, जहाँ पे मस्त कॉमेडी ड्रामा चल रहा था। आप सब लोगों ने देखा तो भाई मज़ा आ गया। किसी बाहर की धरती के ऊपर हमारा घर जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो थैंक यू सो मच। कुमार ने वहाँ से फ़ोटो मंगवाया था, तो आप सब लोगों ने देखा, बहुत मज़ा आ गया होगा। कैसा लगा खास कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते किचन में, किचन में मस्त अभी दोपहर का खाना चल रहा है अभी। ये चटनी का दोपहर के खाते नहीं, एक रोटी भी तो अभी खाते हैं तो अच्छा, इसलिए तो कच्चा डोडा उठाया, कच्चा डोडा बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ कच्चा डोडा उठाती है लड़की, कच्चा डोडा। और ये लड़की बड़ी ट्यूशन में जाना है अभी। गुस्सो किया गुस्सा, अरे बाप रे गुस्सा भी आता है मोरू चौकली ने। और नींबू ने इकट्ठा करने के लिए आ गई है। सब काम करते रहते हैं। तो आज बोले कि बगीचे में थोड़ा नींबू ने इकट्ठा करके आती हूँ। सब लिया नहीं जाएगा लेकिन फिर भी लेने की पूरी ट्राई करेगी। ये एक रखेगी दूसरा लेगी, उसको लगता है सब आ जाएगा लेकिन सब नहीं आएगा। ये आए हूँ करे छे आरोही तू काम करे छे आरोही, आरोही तू काम करे छे मारो दीकरो हे बिटिया, आरोही तू काम करे छे हे आरोही, आरोही तने काम करता आवड़े छे? ये जो मारी पाए मोह मावी जो मारी पाए थी तकलीफ पड़े। लाई मने दे काका ना पे जो मने मने अजी एक मने दे अजी दे लाई अजी दे आ बस मने एक मम दे पापा ना कोई आले ले दे मने दे वो एवी गोली जोते ने केवी दे हाल मते कि मम दे लाई। घर था हम इससे पहले भी एक बार आए थे तो ये बेटी से हम मिले थे, तब भी वो डायमंड में थी, हीरा घस रही थी। तो अभी भी ये बेटी है और एक बेटा है, वो भी अभी पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि चलाना अभी बहुत तकलीफ है। लेकिन जहाँ डायमंड में जा रहे वहां पर भी मंदी का माहौल है तो घर चलाना बहुत ज्यादा तकलीफ है। एक रूम में ये सब चारों लोग एक ही रूम में रहते हैं तो तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है। और अभी लाइट का भी प्रमाण नहीं है और गर्मी भी ज्यादा है तो इस हालत में रहते हैं तो पूरा घर चलता है, नहीं चलता वैसे भी होता है। तो बेटा केम छे वे? हां पहला करता अत्यार हारू है, बुढ़ी रीति है ना। सरस सरस। तो अभी थोड़ा तो अपना खुद से घर चला रही है, काम कर रही है। तो तुम्हारे केम छे बेटा? बांधो छे के ना? हारू छे, हारू छे ना। तो बस ऐसा है। अभी यहाँ से निकले थे बोटाद में तो दो घर लेने थे, एक मांझी का और यहाँ पे। तो जब भी वापस आएंगे तो इस तरह हेल्प करते रहेंगे आप सबकी बदौलत जितना हो सकता है। अब देख सकते हो सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। ये दोनों बेटियाँ हैं ये घर में और इनके पिताजी ने इससे पहले सुसाइड किया था। थोड़ा शराब के कारण प्रॉब्लम हो गई थी तो उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए इस बेटी को हीरा में जाना पड़ रहा है और खुद से घर चलाना पड़ रहा है। तो काफ़ी ऐसी मजबूरी होती है जिनके कारण बेटी को पढ़ाई छोड़कर वापस डायमंड में जाना पड़ रहा है अभी, क्योंकि हमसे जितना हो सकता था हमने किया लेकिन घर चलाने के लिए काफी नहीं है कि वो इतना चल रहा है। बेटा अपने तो कितना किलो छे तारे हीरा में किलो पगार छे? 5000 નું છે। તો માં આખું ઘર ચાલી જાય? હાલે તે નો હાલે પગાર આવે ત્યાં પગાર ને થોડાક દિન વાર હોય ને ત્યાં કુડી જાય એટલે વે ઉપાડ કરવો પડે, ઉપાડ કરવી એટલે ઉપાડ કપાય એટલે ઓસા तो भाई उपाड़ करके भी अपना घर चलाना पड़ता है तो ऐसा हो सकता है। तो कोई बात नहीं, बस अभी चलते आगे। आप सबकी बदौलत जय हो विलेज चैरिटेबल ट्रस्ट से हम जितना हो सकता है हम ऐसे परिवार की हेल्प करते रहेंगे जो परिवार अभी से आगे बढ़े और इस बेटी को कोई तकलीफ ना हो। अभी माहौल है मंदी का और मंदी में घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप सबकी बदौलत इस बेटी का सबका आशीर्वाद मिलता है तो अच्छा है। धीरे धीरे बराबर अच्छा क्या बराबर जय सत्याराम, जय सत्याराम, जय सत्याराम। इतनी खुश हो गई कि भाई यहाँ तक आई। देखो इसे सबसे ज्यादा जरूरत है, जो प्रॉब्लम में होते हैं उनका दर्द कोई नहीं समझ पाता, वो हम समझ के उनकी हेल्प करते रहते हैं। जय श्री स्वामी नारायण। सुविचार भगवान ने अर्थे जेटलू वपराय ते अक्षय फल आपनारू बने छे। भगवान केवल भक्त ना भाव जुए छे अने ए भावना थी पण वंश थई जाय छे। आज का मैसेज बहुत बढ़िया है। भगवान के लिए जो भी आप खर्चो वो अक्षय फल है। मतलब जो भी भगवान के अर्थे आप काम करोगे वो आपको 3 गुना वापस मिलेगा। भगवान ने ऐसा अक्षय फल मान लिया है। मतलब जो भी आप भगवान के अर्थ कर रहे हो अक्षय फल देता है। मतलब 2 गुना 3 गुना जितना भगवान को अच्छा लगता है, उनको आपके अंदर पावर जितना ज़्यादा लगता है उतना भगवान आपको वापस करके देता है। इसलिए भगवान के अर्थ है जो जो भी आपके मन में ख्याल आए वो यूज़ कीजिए। और दूसरा पहलू ये भी है अभी का जो आप जोड़ता हूँ तो कि भगवान के लिए जो भी खर्च करते हैं उसमें ज़्यादातर दिखावा के लिए या फिर समाज को दिखाने के लिए कि भाई हम मैं भगवान के लिए इतना कर रहा हूँ, मैंने भगवान के लिए इतना किया, आसपास में इसमें चर्चा का विषय बने और आपका मान बढ़े, उसी हिसाब से अगर आप भगवान को दे रहे हो तो वो गलत है, वो भावना गलत है। क्योंकि भगवान पीछे लिखा ना कि भगवान भाव देखता है। क्योंकि आपको तो 2 करोड़ रुपये भगवान के लिए दिया और TV न्यूज़ में आ गया, चर्चा में आ गए, वाह वाह हो गए, तो भगवान वो अगर आपके अंदर मान बढ़ गया उस हिसाब से समाज के हिसाब से आप चलते हो तो वो गलत है। लेकिन आपके अंदर भाव है कि मुझे 2 करोड़ देना है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कुछ मान सम्मान कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान बीच में रख के आपको देना है, वो भाव अगर है तो भगवान आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं और भगवान वो भावना आपकी सुनते हैं और आपको 3 गुना फल रूप के हिसाब से आपको वापस भी देते हैं। आपकी बेड़ी में जो जो भी लोग आगे अवतरित होंगे वो सब लाइफ खुशियों से भर जाए, वैसा भगवान कुछ ना कुछ ऐसे जीव आपके घर पे जन्म लेते हैं। तो बस आज का मैसेज कैसा लगा खास कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं कल, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।